ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी युवा टीम इंडिया। 5 सीनियर खिलाड़ियों को किया गया टीम से बाहर। रोहित विराट जैसे सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं शामिल। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया इस समय वर्ल्ड कप खेल रही है। वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन बड़ा अच्छा जा रहा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप के ठीक बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। ये 5 मैचों की बड़ी T20 सीरीज होगी और अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से भारत की तैयारियों के लिए बड़ी सीरीज है। लेकिन इस सीरीज से भारत के 5 सीनियर खिलाड़ियों को टीम से बाहर किए जाने का प्लान बनाया जा चुका है। खबरों की माने तो भारत के 5 सीनियर खिलाड़ी जो इस वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हो सकता है कि आपको T20 टीम में दिखाई ना दे और अब टीम इंडिया युवा खिलाड़ियों के भरोसे ही T20 में आगे बढ़े। तो उन खिलाड़ियों के नाम जानते हैं जो इस वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में शामिल नहीं हो सकते हैं। रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, साल 2023 में रोहित शर्मा ने अभी तक भारत के लिए कोई इंटरनेशनल T20 मैच नहीं खेला। उन्होंने IPL जरूर खेला है, लेकिन उन्होंने IPL के अलावा कहीं और T20 क्रिकेट नहीं खेली। ऐसे में रोहित शर्मा जो इस वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके फैंस को उम्मीद थी कि जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म के बदौलत T20 टीम में भी वापसी करेंगे, तो खबरों के हिसाब से बता दें आपको कि रोहित शर्मा T20 टीम में नजर नहीं आने वाले हैं। रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे और इसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि शायद रोहित शर्मा भारत के T20 प्लान्स में नहीं है, या फिर ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि वर्ल्ड कप में जिस तरीके से टीम इंडिया का शेड्यूल रहा है उस हिसाब से उन्हें आराम भी दे दिया जाए और बाद में आपको वो T20 सीरीज में खेलते हुए नजर आए। विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, इस साल रोहित शर्मा की तरह विराट कोहली ने भी भारत के लिए कोई इंटरनेशनल T20 सीरीज में नहीं हिस्सा लिया है। विराट कोहली IPL में खेलते हुए नजर आए थे जहां पर उनका प्रदर्शन बड़ा शानदार था और उसके बाद से विराट कोहली लगातार रन बना रहे हैं। फिटनेस के मामले में विराट कोहली हर किसी से ऊपर रहते हैं, ऐसे में विराट कोहली को T20 में फिर से मौका मिलना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि विराट कोहली को भी वर्ल्ड कप के बाद रेस्ट मिल जाए, इस वजह से वो T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए नजर नहीं आए। लेकिन विराट कोहली के बारे में जरूर चयनकर्ताओं को सोचना होगा कि उन्हें T20 टीम में मौका दिया जा सकता है या फिर नहीं। मोहम्मद शमी। जी हाँ दोस्तों, ये खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। मोहम्मद शमी को बहुत मैचों के बाद मौका मिला, लेकिन जैसे उन्होंने मौका पाया उसे जमकर भुनाया और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले ही वर्ल्ड कप 2023 के मैच में 5 विकेट चटक लिए और उसके बाद मोहम्मद शमी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भी शुमार हो गए हैं। ऐसे में मोहम्मद शमी को वर्ल्ड कप के ठीक बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज खिलाने के बारे में चयनकर्ताओं को सोचना चाहिए, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है उस हिसाब से ही पता चलता है कि मोहम्मद शमी को T20 टीम में टीम इंडिया लेने के बारे में विचार नहीं कर रही है और हो सकता है कि उन्हें वर्ल्ड कप के बाद T20 सीरीज में मौका ना मिले। जसप्रीत बुमराह। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह इस साल इंजरी से जूझ रहे थे, लेकिन इंजरी की वजह से उन्होंने IPL को भी छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने जमकर तैयारी की और वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम इंडिया के साथ जुड़ गए। इस समय जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है और वो बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद जसप्रीत बुमराह को आराम दे दिया जाए और जब वो फिट हो जाएंगे तो वो टीम इंडिया के साथ आपको T20 क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। रविचंद्रन अश्विन को इस बार वर्ल्ड कप में अचानक एंट्री मिली। वो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं लेकिन भारत के लिए नीली जर्सी में खेलते हुए नजर नहीं आते हैं, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप में उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला। ऐसे में रविचंद्रन अश्विन जैसा सीनियर खिलाड़ी आपको भारत के लिए अब T20 टीम में नजर नहीं आएगा। वो भले हो सकता है कि वो 2021 और 2022 का वर्ल्ड कप खेल गए, लेकिन वो टीम इंडिया के लिए आने वाली सीरीज में मौका मिलते हुए दिखाई नहीं देंगे। लेकिन रविचंद्रन अश्विन को देखकर ये कहा जा सकता है कि भले वो भारत के लिए बायलेटरल T20 सीरीज में खेले ना खेले, वर्ल्ड कप में तो वो जगह बना ही लेते हैं। ऐसे में टीम इंडिया के ये 5 सीनियर खिलाड़ी हो सकता है आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज में खेलते हुए दिखाई नजर ना आए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इनमें से किस खिलाड़ी को टीम इंडिया में जरूर जगह मिलनी चाहिए और उसे भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में खेलना ही चाहिए? कमेंट बॉक्स में मेरा जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।